नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। माय स्टोरी टॉक शो में आपका स्वागत है। माय नेम इज योगेश चौहान, आई एम एन एक्टर, मॉडल एंड डांसर। तो आइए जानते हैं आज की क्वेश्चंस और आंसर के बारे में। प्यार मोहब्बत तो होती रहती है, पर ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो योगेश आपको नहीं करनी चाहिए थी? मुझे पता ही है मुझे किस कैंसर ने लिख के दिया, मेरे को पता ही है। इसका नाम नहीं लूंगा बट मेरे को पता है। प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज है और आपको तो पता ही होगा कि मोहब्बत की तो कोई कान और आंखें नहीं होती है। शुरुआती दिनों में काफी अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे वक्त बीतता है तो हमें पता चलता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा मूड आया था, बट मैंने वक्त रहते ही मैंने अपने आप को पीछे खींच लिया था। शादीशुदा कपल के बीच में जाकर अपने लिए मोहब्बत का रास्ता ढूंढना बहुत ही गलत बात है। 27 अगस्त एक प्यार भरे दिन की शुरुआत हुई थी। दिल से सोचूं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था और दिमाग से सोचूं तो मेरे लिए सबसे बुरा दिन था। दिल से इसीलिए क्योंकि प्यार मोहब्बत बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है, और दिमाग से इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता ये किसी कपल के बीच में जाकर अपने लिए मोहब्बत का रास्ता बनाए। 2 महीने काफी अच्छा रिलेशनशिप रहा था। 2 महीने काफी हम लोगों ने अच्छी बॉन्डिंग शेयर करी थी। उन्होंने अपने दुख और सुख के हालचाल बताए और मैंने भी अपने दुख और सुख के बारे में बातें करी। मैंने अपने आप से एक ही चीज बोली कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता, मैं इतना मतलब ही नहीं हो सकता कि अपनी खुशी के लिए उन कपल के बीच में दूरियां बढ़ाने का जरिया बनूं। बिना कुछ बोले समझे उनसे ब्रेकअप किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और आज भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आज के लिए इतना ही। मैं आपको अगले सैटरडे संडे फिर मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं पिछले सारे एपिसोड में बोलते आ रहा हूँ, ठीक है? बाय।